ने कुछ लोगों को रुलाया, काफी लोगों को दुखी किया, पूरा देश का मूड खराब किया। पर आज तक 4 सालों बाद हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या फेल हुआ। मैंने रिसेंटली जब इसरो चेयरमैन सोमनाथ सर को इंटरव्यू किया था, तभी भी पूछा था कि FAC रिपोर्ट रिलीज होगा क्या। FAC मतलब फेलियर एनालिसिस कमेटी। तो उन्होंने कहा कि जो पब्लिकली जो एक्सप्लेनेशन थे वो एडवोकेट है, पर वो नहीं थे, वो एक्सट्रीमली डम डाउन वगैरह थे, नहीं था उसमें, मजा नहीं आ रहा था। पर रिसेंटली कुछ चेंज हुआ और इसरो वही सोमनाथ सर ने ही IIC बैंगलोर एस प्रदीप मेमोरियल लेक्चर में उन्होंने एकदम डिटेल्ड, बहुत खूबसूरत, बहुत टेक्निकली डीप एक्सप्लेनेशन दिया कि क्या फेल हुआ, क्या चेंजेस किए उस चंद्रयान 3 में वगैरह। थैंक्स टू CNN 18 जिन्होंने रिकॉर्ड करके डाला पब्लिकली हमें देखने। आज मजा आएगा, चलिए जानते हैं क्यों फेल हुआ। उससे पहले हमें 2 चीजें बेसिक समझनी होंगी, बहुत सिंपल। एक है एटीट्यूड। एटीट्यूड एक टेक्निकल टर्म है स्पेस इंडस्ट्री में, जो रिफर करता है स्पेसक्राफ्ट कहाँ देख रहा है, कैसे ओरिएंटेड है, मतलब उसका पिच एंगल, रॉ या वगैरह, रोल वगैरह क्या है। दूसरा पॉइंट है कि जब लैंडर नीचे आता है चांद पे, वो सीधा नीचे नहीं आ रहा है, वो एक कर्व पे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे लैंडर पे 2 वेलोसिटीज है। एक है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी वो कितने स्पीड से साइड की तरफ जा रहा है, और एक है वर्टिकल वेलोसिटी, वो कितना जल्दी नीचे गिर रहा है। अगर मैं आपको इसका वेक्टर प्रोडक्ट्स दिखाऊं तो एरोस से रिप्रेजेंट करूं तो इफेक्टिव वेलोसिटी मिलती है। अगर मैं इधर 1 कम करूं तो दूसरा का एंगल चेंज हो जाता है इफेक्टिव वेलोसिटी का, जो वेक्टर है। अभी अगर अपने लैंडर को चेंज करना है कोई वेलोसिटी तो कैसे करेगा, अगर उसे वर्टिकल चेंज करना है तो सिंपल है, लैंडर को एकदम नीचे फेस करवाओ और इंजिन फायर करो, आपका वर्टिकल वेलोसिटी कम हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कम करना है तो क्या है, सिंपल, वो लैंडर को टर्न करो, रोल करो दूसरी तरफ, फायर करो। हॉरिजॉन्टल के साथ एक बहुत बड़ा लफड़ा है, जब आपका लैंडर उस तरफ मुड़ रहा है और इंजन फायर कर रहा है, आपकी वेलोसिटी हो सकता है बढ़ते जाए। क्यों? क्योंकि लूनर ग्रेविटी, राइट, ग्रेविटी आपको नीचे खींचते जा रही है और आपकी वेलोसिटी बढ़ते जा सकती है। तो इसलिए एक अच्छा मून लैंडर वो है जो दोनों को इफेक्टिवली बैलेंस करे। क्यों? उसका गोल कंप्लीट करना है। और उसका गोल क्या है, चंद्रयान 2 के केस में एक 500x500 मीटर लैंडिंग जोन था, जो करीब 70 डिग्री साउथ ऑफ मून है, वहां पे जाके लैंड करवाना। तो चंद्रयान 2 का जो एल्गोरिथम था, उसका क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि तुम अपनी दोनों वेलोसिटीज को मैनेज करके यहाँ पे आके रुको, ठीक है, सिंपल। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन चंद्रयान 2 एक 30x100 किलोमीटर ऑर्बिट में था, ठीक है। चंद्रयान 2 का लैंडर जिसका नाम है विक्रम, तो अभी मैं आगे विक्रम करके रिफर करूंगा। अभी जब मैं कहता हूँ विक्रम 30x100 किलोमीटर था, ये 30x100 इसरो का मेजरमेंट है अर्थ से। हो सकता है वो 32 पे हो, 35 पे हो, या 20 पे भी हो, वो डिपेंड करेगा आप कैसे मेजर करते हो, किस पॉइंट पे, राइट, क्योंकि चांद का सरफेस तो इवन नहीं है, वो फ्लैट नहीं है। इसलिए जब वो फर्स्ट बर्न स्टार्ट हुआ, जैसे इंजन फायर किए लैंड करने को, 30 किलोमीटर से ऑलमोस्ट 8-7 किलोमीटर तक, इसे रफ ब्रेकिंग कहते हैं, क्योंकि लैंडर काइंड ऑफ ब्लाइंड है इस फेज में। काइंड ऑफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके अंदर एक INS होगा, INS मतलब इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जो बिना किसी GPS, बिना कोई ऑल्टीमीटर के वगैरह बता सकते हैं आप कहां पहुंच रहे हो अप्रोक्सीमेटली। पर यहां पे ये ऑल्टीमीटर्स वगैरह क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ऊपर है। जैसे ही 8-7 किलोमीटर क्रॉस किया, अभी आता है एब्सोल्यूट नेविगेशन फेस या कैमरा कोस्टिंग फेस। अगर आपने उस दिन लाइव देखा है तो आपने देखा होगा 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर का वहां कैम कोस्टिंग फेस करके आया था लाइव स्ट्रीम के ऊपर। ये फेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फोकस करो। ये फेस में होगा क्या, विक्रम के सब इंस्ट्रूमेंट्स कैलिब्रेट होंगे, इंक्लूडिंग कैमरा क्यों, उसे अपनी लैंडिंग स्पॉट देखनी है, उसे ये भी देखना है वो एग्जैक्टली कहाँ है अभी, लैंडिंग स्पॉट से कितना दूर है वगैरह वगैरह, करेक्ट। सेकेंडली ऑल्टीमीटर्स जो है, लेजर ऑल्टीमीटर, रेडियो ऑल्टीमीटर जो है चंद्रयान 2 के ऊपर, वो सब कैलिब्रेट होने हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरास कैलिब्रेट होने हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स कैलिब्रेट होने हैं विक्रम के। यहाँ पे आने के बाद उसे काफी सारा डिटेल मिलेगा बहुत एक्यूरेटली लैंड करने के लिए। इसलिए इसरो ने क्या किया था, इसरो ने इसका एटीट्यूड लॉक कर दिया था। तो ऑलमोस्ट 7-4 किलोमीटर तक एटीट्यूड लॉक था, वो एक ही डायरेक्शन में फिक्स था। क्यों? ताकि कैलिब्रेशन स्मूथली जाए, अगर लैंडर हिलने लगा तो आपका कैलिब्रेशन शायद मिस हो जाए। यहीं पे चीजें और कोड वगैरह सब फट गया। वो क्यों फटा जानने से पहले, हम अगर सपोज ये फेज सक्सेसफुल होता तो आगे क्या होता, आगे वो जाता फाइन ब्रेकिंग फेज में, जहाँ पे करीब वो कुछ फ्यू किलोमीटर ऊपर होगा और वो स्लोली नीचे आने लगेगा 400-100 meters, और देखेगा कि उसका लैंडिंग लोकेशन अच्छा है कि नहीं। अगर अच्छा है, कुछ हैजार्ड नहीं है, बोल्डर वगैरह, तो लैंड करेगा, वरना एक नया लोकेशन ढूंढ के लैंड करेगा। अभी क्वेश्चन आता है क्या गलत हुआ वहां पे कैमरा कोस्टिंग फेज में। कैमरा कोस्टिंग फेज में 2 चीजें गलत हुई जो काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड है। फर्स्ट चीज जो थी वो है कि इंजन का थ्रस्ट
ज्यादा था एक्सपेक्टेड से। अब वो ठीक है, होता रहता है, कोई भी रॉकेट इंजन एकदम फिक्स थ्रस्ट नहीं देती है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, हमेशा एक रेंज होती है थ्रस्ट की। पर प्रॉब्लम ये है, जो इसका सेकेंड लिंक्ड प्रॉब्लम है, कि इसरो ने डिसाइड किया था कि कैमरा कोस्टिंग फेज में थ्रस्ट कंट्रोल नहीं होगा लैंडर के पास, विक्रम नहीं कंट्रोल कर सकता थ्रस्ट, मतलब चाहकर भी वो वहां थ्रस्ट नहीं कम कर पाया। वो अगेन इसलिए था जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एटीट्यूड चेंज हो और कैलिब्रेशन मिस हो। अभी हुआ क्या, सिंस ये ऐसा हो रहा है, एरर्स जो है वो एक्युमुलेट होने लगे और ट्रेजेक्ट्री चेंज होने लगी, और विक्रम के पास कोई कंट्रोल नहीं ट्रेजेक्ट्री करेक्ट करने का, क्योंकि एटीट्यूड लॉक्ड है। ये आप काइंड ऑफ देख सकते हो, अगर आप वो ग्राफ देखो जब लैंड कर रहा था, तो 6-7 किलोमीटर के बाद वो ग्रीन लाइन डिविएट होने लगती है ओरिजिनल प्लान ट्रेजेक्ट्री से। अब जैसे मैंने कहा फाइन ब्रेकिंग फेज नेक्स्ट है, राइट, तो इसरो का प्लान था कि ये एल्गोरिथम जो भी एरर्स बनते हैं कैमरा कोस्टिंग फेज में उसे फाइन ब्रेकिंग फेज में करेक्ट करेगा, पर एरर्स इतने एक्युमुलेट हो गए कि वो इना फास्ट करेक्ट नहीं कर पाया। जैसे मैंने कहा अगर आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी चेंज करनी है तो लैंडर को घूमना होगा, राइट, उसको रोल करना होगा, बट इन्होंने उसमें भी एक आर्टिफिशियल लिमिट डाला था, वो था 10 डिग्रीज पर सेकंड का एटीट्यूड चेंज। अब सिंस वो इतना स्लो घूमने वाला था, वो इनफ टाइम में चेंज नहीं कर पाया अपना एटीट्यूड और जो वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी है वो। हॉरिजॉन्टल उसने काइंड ऑफ मैनेज की, पर वर्टिकल वेलोसिटी बहुत बढ़ गई थी। और उसके साथ एक और प्रॉब्लम था कि एक इंटरनल टाइमर था जो टाइम मेंटेन कर रहा था कि कितना टाइम बचा है लैंडिंग के लिए, वो कुछ सेकंड्स ऑफ था, जिसके वजह से वो जल्दी बंद हो गया पूरा प्रोग्राम। तो सोमनाथ सर वो स्टॉक में कह रहे थे अगर टाइमर के पास कुछ सेकंड्स एक्स्ट्रा होते तो शायद वो लैंड करता। तो वही जैसे मैंने कहा एल्गोरिथम डिजाइन ही ऐसा था, एक सक्सेस बेस्ड, जो उन्होंने कहा सोमनाथ सर ने, सक्सेस बेस्ड अप्रोच की लैंडिंग स्पॉट पे जाके कैसे भी करके लैंड करो। तो ऑफकोर्स फिक्सेज है इसके साथ, काफी सारे फिक्सेज है। फिक्सेज जानने से पहले अगर आपको अब तक एक्सप्लेनेशन वगैरह पसंद आया तो जरूर कंसिडर करो सब्सक्राइब करना। फिक्सेस काफी सारे है, उनमें से कुछ फिक्सेस ही मैं डिस्कस करूंगा। पहला तो ऑब्वियस वन यही है कि अपना लैंडिंग जोन बिगर कर दो। चंद्रयान 2 400 मीटर दूर जाके क्रैश हुआ लैंडिंग जोन से, अगर ये लैंडिंग जोन बड़ा होता तो शायद वो सक्सीड करता। चंद्रयान 3 के लिए 4x4 किलोमीटर का लैंडिंग जोन है इंस्टेड ऑफ 500 मीटर बाय 500 मीटर जो 2 के लिए था। और यही नहीं, सिंस अपने पास वर्ल्ड का हाईएस्ट रेजोल्यूशन मून कैमरा है OHRC चंद्रयान 2 के ऊपर, उन्होंने पूरा मैप किया, पूरा फ्लाई बाय रीजन मैप किया है जो लोडेड है चंद्रयान 3 के ऊपर, और अगर कुछ होता है वो नहीं जा पा रहे लैंडिंग स्पॉट के पास तो वो नियरेस्ट सेफेस्ट स्पॉट ढूंढ के लैंड कर देगा। सेकंड चेंज ये है कि उन्होंने इंस्टेंटेनियस थ्रस्ट कंट्रोल जो है वो सब फेसेस में डाल दिया। जैसे मैंने कहा कि थ्रस्ट लॉक था, राइट, कैमरा कोस्टिंग फेज में, अभी से नहीं होगा, अभी हर फेज में उसके पास थ्रस्ट कंट्रोल होगा। सॉफ्टवेयर और गाइडेंस चेंज किया है ओवर और अंडर परफॉर्मेंस इंजन के हैंडल करने के लिए। एटीट्यूड रेट चेंज जो है वो बढ़ा दिया गया है 25 डिग्रीज पर सेकेंड को, पहले 10 था। और जैसे मैंने कहा चंद्रयान 3 वर्सेस 2 वीडियो में LDV यानी लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर जो तीनों डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं वो ऐड कर दिए गया है। थ्रस्ट का इंजन का थ्रस्ट वाल्व का स्लू रेट यानी कितने जल्दी इंजन रिएक्ट करता है थ्रस्ट चेंज को ऑर्डर्स को वो चेंज कर दिया गया है। लेग्स आर स्ट्रॉन्गर, अभी ऑलमोस्ट 800 kg का लैंडर है, जब वो लैंड करेगा 3 meters per second तक वो सह सकता है, जो मतलब इमेजिन करो इतना हैवी लैंडर 3 meters per second बहुत ज्यादा फास्ट है। और बहुत सारे चेंजेस है, जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का पोलिंग रेट बढ़ा दिया गया है या फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है डेटा रेट की, सॉफ्टवेयर चेंजेस, ज्यादा बेटर, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर सिमुलेशंस, फास्टर बेटर एल्गोरिथम्स, बहुत कुछ। वो वीडियो जरूर देखो, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर आपके पास थोड़ा डिस्पोजेबल इनकम है तो कंसिडर करो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने, इधर buymeacoffee.com पे या मेंबरशिप्स लेके ज्वाइन द बटन दबा। स्पेशल थैंक्स टू शिखर, मनोहरन, कार्तिकेय देवाल, बुटला, चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्ण, नारायण प्रसाद, प्रदीप मोहनदास, तन्मय देशपांडे, निशन कुमार, विशाल बारोत, हाइड्रेटिंग, कृपल पटेल, कृष्ण नायर, निशान प्रजापति, शौनक पेरनी, निसर्ग मानकड़, विवेक सिंह, संजोत कावड़े, कृष्णा, स्पार्क 164, कुमार अखिल, शिवा, नीलम, बुटा सिंह, ETBM, कार्ती और दो एनोनिमस।